हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 का एमसीक्यू, जो कि एलएलबी सेमेस्टर 1 का है। तो इसका क्वेश्चन है द ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहले कि आप इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से पहले डाउनलोड कर ले, उसके बाद इस वीडियो को रेफर करें, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है द ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑप्शन नंबर बी कंसिडरेशन एंड कोर्जन, ऑप्शन नंबर सी द एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन, ऑप्शन नंबर डी फ्री कंसेंट एंड ऑब्लिगेशन। तो एक ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू, अ नोटिस इन न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर, मतलब ए नोटिस है दिया हुआ है न्यूज़पेपर में जो कि टेंडर के लिए इनविटेशन है, तो ये एक क्या है? अ प्रपोजल, ऑप्शन नंबर बी एन इनविटेशन टू प्रपोजल, ऑप्शन नंबर सी एन इनविटेशन फॉर नेगोशिएशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एवर। तो ये एक प्रपोजल है जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कि टेंडर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज, मतलब कि एक एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के, मतलब कि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ना ही मनी का ट्रांजेक्शन होता है, ना ही एक दूसरे के लिए कुछ, मतलब कि अगर आप ये कर दो तो मैं आपके लिए वो कर दूंगा, इस मतलब कि कुछ काम के, मतलब कि बिना पैसे का एग्रीमेंट क्या है? विदाउट कंसिडरेशन, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वर्डेबल, ऑप्शन नंबर बी आई एम सॉरी ऑप्शन नंबर ए वॉइड, ऑप्शन नंबर बी वर्डेबल, ऑप्शन नंबर सी इललीगल और ऑप्शन नंबर डी नेदर वॉइड और नॉर वर्डेबल। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन का किया जाता है तो वो वॉइड होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर, टू पर्सन हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि दो पर्सन के पास में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कब कब होता है? और ये ऑप्शन नंबर ए, इफ बोथ हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब दोनों मेजर हो गए हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोथ हैव क्रॉस द एज ऑफ 18, ऑप्शन नंबर बी इफ बोथ आर ऑफ नॉट अनसाउंड माइंड, मतलब कि दोनों अनसाउंड माइंड नहीं है, मतलब कि दोनों साउंड माइंड है, दोनों डिसीजन ले सकते हैं क्या सही है उसके पर्पस के लिए और क्या नहीं, ऑप्शन नंबर सी इफ नन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब लॉ ने कानून ने या फिर कोर्ट ने उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दिया, उसे डिस्क्वालिफाइड नहीं किया है, ऑप्शन नंबर डी ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब कि अगर दोनों मेजर है, दोनों अनसाउंड माइंड नहीं है, मतलब दोनों साउंड माइंड है, दोनों डिसीजन ले सकते हैं, और तीसरा कि कोई भी कोर्ट या लॉ ने किसी को भी डिस्क्वालिफाइड नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड, ऑप्शन नंबर ए सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ माइनर और ल्यूनेटिक, क्वेश्चन नंबर बी पेमेंट सॉरी ऑप्शन नंबर बी पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ऑप्शन नंबर सी लाइबिलिटीज टू पे ऑफ पे फॉर नॉन ग्रेजुएट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल द एवर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर मान लीजिए कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग हो या फिर छोटे बच्चे, जैसे कि आप हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ आपकी बच्चे को कोई थर्ड पर्सन नेसेसरी बेसिक नीड्स के लिए कुछ सामान सप्लाई करता है, तो आप एज ए हस्बैंड और एज ए फादर आपको उस लाइबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। आपने भले ही पहले से उस शॉपकीपर्स को या फिर दुकानदार को या फिर जिसने जो लोग उसे नेसेसरी सामान फूडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ में कांटेक्ट नहीं किया ना ही बोला हो, बट फिर भी आपको उसे पेमेंट करना पड़ेगा, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर आप किसी माइनर को ल्यूनेटिक को उसकी बेसिक नीड्स के लिए कुछ कमोडिटी सप्लाई करते हो तो उसके केयर टेकर को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और कोई भी नॉन ग्रेचुटियस एक्ट, मतलब जो कि जिस एक्ट के लिए पैसा देना पड़ता है, तो उसे भी पेमेंट करना
पड़ेगा अगर आपने उस एक्ट का फैसिलिटी को अवेल किया है तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड दिस ऑल, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ पार्टी हु डज नॉट सफर इन लॉस इन द केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल टू, मतलब अगर कोई पार्टी के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और आप ब्रीच कर देते हो बट सामने वाले को कोई फाइनेंशियली डैमेज नहीं पहुंचता है तो उसे कौन से डैमेजेस पे करना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्टैट्यूटरी डैमेजेस, ऑप्शन नंबर बी लिक्विडेटेड डैमेजेस, ऑप्शन नंबर सी एग्जेम्पलरी डैमेजेस, ऑप्शन नंबर डी नॉमिनल डैमेजेस। तो बट आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है बट उसके सामने वाले को फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम मतलब कि डैमेज नहीं हुआ है तो आपने को लॉ का वायलेशन किया है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो इसलिए कानूनी तौर पर आपको ऊपर नॉमिनल डैमेजेस पे करने का लाइबिलिटी मतलब इम्पोज किया जाएगा कि हाँ आपने गलती किया है इसके लिए आपको एक नॉमिनल अमाउंट का पनिशमेंट एज ए पनिशमेंट पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर सेवन, अ प्रोमिसेस ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, आफ्टर दैट ए डाइज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पेंटिंग, मतलब कि ये एक बंदा है जो प्रोमिस करता है बी को कि उसके लिए वो एक पेंटिंग बनाएगा, उसके बाद ए का डेथ हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए द एग्रीमेंट लैप्सेस फॉर बोथ द पार्टीज, बी एग्रीमेंट डज नॉट लैप्स, सी द एग्रीमेंट बिकम्स अनलॉफुल, डी द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन के बीच में होता है, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी एक डेथ कर जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाता है, तो एग्रीमेंट लैप्सेस फॉर बोथ द पार्टीज। क्वेश्चन नंबर टी, द टर्म इंक्लूड द टर्म्स एंड्यू इन्फ्लुएंसेस इज कवर्ड अंडर द सेक्शन, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 15, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 16। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो और आपके एग्जाम के पर्पस के लिए थोड़ा बहुत ही हेल्पफुल हो तो जरूर इसे अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी एग्जाम प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत ही सही हेल्प मिल सके। तो लव यू, बाय टू ऑल।